उ़बिल्न बिसमरिम अज़ीज़ तलबा व वा वालबात अल्लाम वरम्ब वर्क वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर व तालबात आज जो हमारा टॉपिक है वो है मकैनिज़म ऑफ ब्रीथिंग यानी जो सांस लेते हैं हम वो किस तरह लेते हैं उसका क्या फंक्शन है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं आपके सामने स्लाइड में लिखा हुआ है द फिज़िकल मोमेंट एसोसिएटेड विद गैश एक्सचेंज मतलब कि हमारी जो जिस्मानी हरकत हैं वो गैश एक्सचेंज के साथ मुंसलिक होती हैं अब जिस्मानी हरकत कौन सी हो सकती हैं हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना रनिंग पोजिशन ये सारे क्या हैं फ़िज़िकल मोमेंट्स हैं इसको क्या नाम देते हैं इसको ब्रीथिंग का नाम देते हैं सांस लेने का सांस लेने का अमल इसको कहते हैं स्टूडेंट्स मैकेनिज़म ऑफ ब्रीथिंग में हम टू फेजिज का जिक्र करेंगे कौन से दो फिनना हैं हम उनको पढ़ेंगे आज नंबर वन इन्हीशन नंबर टू एक्सहेलेशन स्टूडेंट्स नंबर वन पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं इन्हीशन इन्हेलेषन को दूसरा नाम इंस्पायरेशन का भी दिया जाता है इसकी डिफ़ाइन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन टू लंग्स इज़ कॉल्ड इन्हेलेशन और इंस्पायरेशन इंस्पायर का मानी होता है किसी चीज़ को मतहर करना जैसे ही एयर हमारे लंग्स में दाखिल होती है तो एयर क्या काम करती है लंग्स को मतहर कर देती है उसको मूवेबल पोजिशन में ले आती है स्टूडेंट्स पहले हम ये पढ़ते हैं कि इन्हेलीशन के अमल के दौरान कौन कौन से स्टेप्स वक़ू पजीर होते हैं यानी कौन कौन से स्टेप्स रूनमा होते हैं ठीक हो गया तो पहला हम ये पढ़ते हैं कि रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट नंबर टू डायफ्राम लेस डोम लाइक नंबर थ्री प्रेशर इन लंग्स रिड्यूस नंबर फोर सरफेस एरिया ऑफ चेस्ट इंक्रीज यानी अगर हम सांस लेके देखें तो हमारा जो सीने का रीजन है गौर से देखिएगा कि सांस लें आप तो जो सीने का हमारा रीजन है जिसको डायफ्राम बोलते हैं वो अपवर्ड पोजीशन में मूव करेगा अब इसके अपवर्ड मूव करने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इसमें रिब्स होती हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके साथ मसल भी अटैच होते हैं उनको इंटर कोस्टल मसल का नाम दिया जाता है अब जब रिब मसल कॉन्टैक्ट करेंगी तो ये रिब्स को एलिवेट करेंगे जैसे ही रिब्स एलिवेट होंगी तो हमारा जो डायाफ्राम है वो लेस डोम लाइक हो जाएगा अब मैंने आपको बताया है कि डायाफ्राम जो है वो लेस डोम लाइक हो जाएगा जैसे, जैसे ही डायाफ्राम लेस डोम लाइक -like होगा तो प्रेशर जो लंग्स में है वो रिड्यूस हो जाएगा वो रिड्यूस क्यों होगा क्योंकि सरफेस एरिया चेस्ट का इंक्रीज हो गया है स्टूडेंट इस बात को आपने गौर से समझ लें दूसरे लफ्जों में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेशर जो लंग्स में है वो रिड्यूस इस वजह से होता है क्यों क्योंकि जो एटमोसफेयर से हवा हमारे लंग्स में आ रही है ना वो इसको मिनिमाइज करती है वो इसलिए कि जो प्रेशर है हमारे लंग्स में फिर उसको बेहतर तरीके से मिनिमाइज करती है एटमोसफेयर की जो एयर है अब आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें इन्हेलेशन का अमल बताया गया है कि जैसे हम एयर को इन्हेल करते हैं तो जो रिब केज है वो एक्सपेंड हो जाता है किस और एज रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ठीक हो गया एक्सपेंड का मानी फैल जाता है कॉन्ट्रैक्ट का मानी सुकड़ जाना ठीक है अब आपके सामने दिखाया गया है जो लंग्स हैं उसके नीचे देखें जो डायफ्राम पोर्शन है वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो मूव्स डाउन की नीचे की तरफ हो जाएगा वो स्टूडेंट्स यही था इन्हीेशन का प्रोसेस कि किस तरह हवा हमारे अंदर दाखिल होती है ठीक है क्या क्या स्टेप्स उसमें इंक्लूड होते हैं तो ये सारा आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है अजीज़ तलबा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन अब बात कर लें एक्सहेलेशन की तो इसकी डिफ़ाइन को पहले गौर से समझ लें द प्रोसेस ऑफ लेटिंग एयर फ्राम लंग्स यानी लंग्स से हवा किस तरह एग्जिट होती है तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड हैं वो हम पहला पढ़ते हैं रिब्स मसल रिलैक्स डोम लाइक प्रेशर इंक्रीज सरफेस एरिया रिड्यूसेस अब गौर से देखें कि जैसे हम सांस को बाहर एग्जिट करते हैं लंग से तो हम रिलैक्सिंग पोजिशन में आ जाते हैं रिब मसल हमारा रिलैक्स होगा जैसे ही रिब मसल रिलैक्स होगा तो डायाफ्राम जो हमारा सीने का सारा रीजन है वो डोम लाइक हो जाएगा सरफेस एरिया रिड्यूस होगा और जो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ था वो एग्जिट हो जाएगा हवा के जरिए वो लंग से बाहर आ जाएगा स्टूडेंट आई होप आपको एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन अमल अच्छे तरीके से समझ आया होगा इसको आपने बार बार सुना है और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या इसमें स्टेप्स इंक्लूड हैं और किस तरह ये अमल वकू पजीर होता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपको बताया गया है कि जो रेस्ट पोजिशन है नॉर्मल सरकम पर ह्यूमन ब्रीथिंग रेट सिक्सटीन टू ट्वेंटी टाइम्स पर मिनट होता है ब्रीथिंग रेट इज कंट्रोल्ड बाय रिस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने लिखा है कि व्हेन वी डू सम हार्ड एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब आवर मसल्स कैरी आउट सेलुलर रिस्पायरेशन एट ग्रेटर रेट यानी अगर हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करें यानी रनिंग पोजीशन में चले जाएं, या कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो हार्ड है सख्त मशक्क़त वाली एक्सरसाइज अगर वो करना शुरू कर दें तो जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो पहले क्या था यानी नॉर्मल पोजीशन में सिक्सटी सिक्सटीन टू ट्वेंटी लेकिन बरअक्स इसके के अगर हार्ड फिज़िकल एक्सरसाइज में चले जाएँ तो ये थर्टी टू फोर्टी टाइम्स पर मिनट भी हो जाता है अब ये जो ब्रीथिंग रेट वाला मैकेनिज्म है ये किस तरह कंट्रोल होगा ये डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर ये चेक करता है कि हमारी बॉडी में जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो है या फास्ट ठीक है हमारी बॉडी में मौजूद जो ब्लड है उसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो हमारे ब्रेन में मौजूद जो सेंसर हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे ये रिब मसल को मैसेज देंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें अब ये सारा प्रोसेस जो है ब्रीथिंग रेट का ये तब ही वक़ूफ़ पजीर होता है तब ही ये फिनमना जो है परफॉर्म होता है जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए अब स्टूडेंट्स एक बात लास्ट पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है अगर ये हाई हो जाए तो ये डेंजरस हो सकती है इसको निकालने के लिए ये सारा ब्रीथिंग रेट का प्रोसेस होता है इसको आपने याद रखना है ये था आज हमारा एक्सेलेशन का प्रोसेस इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है इसमें कौन कौन से फेजेस हैं पहला फेज क्या है दूसरा फेज क्या है और एंड पे मैंने ब्रीथिंग रेट वाला बताया है उसका मैकेनिज़म क्या है इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है बार बार लेक्चर को सुनना है अच्छे तरीके से इसको समझना है लिख के देखना है ठीक है इससे हमें फायदा हो ना हो हम मुस्तफ़ हो ना हो लेकिन आप इससे जरूर इस्तः हासिल करें मिलते हैं इन शी ने लेक्चर में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़